अबे ये क्या बदतमीजी, ये क्या किया तूने? तेरा दिमाग खराब है क्या? तू पागल है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? अरे मैडम ये कोई बदतमीजी नहीं है, और तुम्हें पता है अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी ना तो मैं तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। इस बैग में ना पूरे 5 लाख रुपए हैं। अगर तुमने मेरी बात मानी तो ये पैसे तुम्हारे। सोच लो। तेरा दिमाग खराब है क्या? ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है? तेरे इन 5 लाख रुपए के लिए वो इतनी घटिया हरकत नहीं करेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको बीच रोड पे किस करने की? अभी रुक, पुलिस को कॉल करती हूँ, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। रुक। रुकिए मैडम, पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक ऑफर दिया है, अगर आपको पसंद है तो हाँ करो, अगर नहीं पसंद तो ना करो। और वैसे भी मैंने इसे पूरे 5 लाख का ऑफर दिया है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। और एक बात सोच के देखो मैडम, अगर तुम 5 लाख रुपए का ब्याज भी खाओगे ना फिर भी बहुत होता है, तो सोच लो। अरे ईशा तू क्या पागल है जो इसकी खड़ी खड़ी बातें सुन रही है? ये ले फोन और पुलिस को फोन लगा। अंजलि तू क्या पागल है? एक रात की तो बात है, उसके पूरे 5 लाख रुपए दे रहा है वो मुझे। अरे अंजलि सोच के देख, 5 लाख रुपए ना बहुत होते हैं, कम नहीं होते। अरे ईशा तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू 5 लाख रुपए के लिए तू उसके साथ रात बिताने को रेडी हो गई? तेरा दिमाग तो ठीक है? ईशा तुझे अंदाजा भी है तू क्या बोल रही है? तू एक मिनट रुक और तुम बताओ मुझे क्या प्रूफ है कि इसमें असली नोट है? अच्छा तुम्हें प्रूफ चाहिए तो देखो, इतने सारे पैसे, अभी ये 5 लाख रुपए मेरे और मैं एक रात के लिए तुम्हारी। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझे एक रात के इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो इसलिए मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं। और वैसे भी तुम्हारे साथ एक दिन का टाइम बिताना मेरा शौक है, और मैं अपने शौक के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए बस मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं। ईशा तू क्या इसके खड़े खड़े बातें सुन के, इसका बैग दे और चल मेरे साथ। अरे अंजलि तू रुक तो सही, तुझे पता है इतने सारे पैसे हैं और वैसे भी मेरे ना 3x रह चुके हैं, एक और बन जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा? और हाँ, हम जैसे छोटे लोगों के लिए ना एक रात के 5 लाख रुपए ना बहुत होते हैं, तो मैं ये मौका तो नहीं गंवाने वाली। अरे ईशा तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है ना हम दोनों की शादी होने वाली है, और मुझसे पहले तो तेरी शादी होने वाली है, और तेरा तो ऑलमोस्ट सब कुछ डन है, तू क्या कर रही है? अरे ईशा तूने ही तो मुझे बताया था कि जिस लड़के से तेरी शादी होने वाली है वो वेल सेटेड है, तो तुझे इन पैसों की क्या जरूरत? इसका बैग वापस कर दे और हम लोगों को घर जाना है, चल। अरे हाँ मुझे पता है कि मैंने कहा था कि मेरा पति वेल सेटल है, लेकिन वो पैसे मेरे नहीं मेरे पति के होंगे, और मैं बिल्कुल भी अपने पति के पैसों पे ना ऐश नहीं करना चाहती। और ये 5 लाख रुपए ना मेरे यूज के लिए होंगे पर्सनल, और जैसी मर्जी होगी ना वैसे खत्म करूंगी मैं इन पैसों को। सुनो मिस्टर, आई एम रेडी, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। राज तुम यहाँ? तू जानती है क्या इसको? यही तो वो लड़का है जिसका रिश्ता मेरे लिए आया था, और राज तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? एक मिनट, इसका रिश्ता तो मेरे लिए भी आया था, एक ही लड़के का रिश्ता 2 लड़कियों के लिए, वो भी एक ही दिन में, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या नाटक है? मेरा डाउट ना बिल्कुल सही निकला, क्योंकि मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही थी और तुम दोनों की मुझे फोटो दिखाई गई, और हाँ मुझे ये भी पता चला कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। और एक बात और कि तुम दोनों में से एक लड़की पैसे की लालची है, बस इसीलिए ना मैंने एक छोटा सा टेस्ट लेने की सोची, और टेस्ट क्या लिया मुझे तो पता ही चल गया कि तुम दोनों में से पैसे की लालची कौन है, और वो लालची लड़की ना तुम हो। और ईसा तुमने तो हद ही कर दी, मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए का लालच किया दिया, तुम एक दिन के लिए मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। अगर हम दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद तुम्हें किसी ने पैसे का लालच दिया तो तुम तो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाओगी, तो मुझे ऐसी लड़की से तो बिल्कुल शादी नहीं करनी। और हाँ मैंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि मुझे तुम दोनों में से किससे शादी करनी है। और ईसा जब तुम्हारी दोस्त तुम्हें समझा रही थी तुमने उसकी एक बात नहीं सुनी। और हाँ छोड़ो मेरे पैसे। Thank you.